सर सर्जिकल स्ट्राइक पे कई पार्टी ने सवाल खड़े किए, यहाँ तक सबसे शुरुआत तो केजरीवाल जी ने किया, उन्होंने तो मानने को तैयार ही नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरह से सेना के जो एक शौर्य है और उनका जो कामयाबी है सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, उसको पूरा दुनिया ने सलाम किया, और ऐसे समय में केजरीवाल जी ने जो सवाल खड़ा किया था वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही मुझे लगता है कि देश को शर्मगदी करने वाली है। और मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए, सेनाओं से माफ़ी मांगना चाहिए, और अगर कोई कानून ऐसा हो कि जिससे कि सैनिकों के मनोबल को तोड़ने वाली इस तरह की भाषा जो बोले और जो इस तरह के सवाल खड़े, उसको कार्रवाई अगर हो सकता है तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि आगे से इस तरह का बयानबाजी कोई करने का दुस्साहस ना करे। केजरीवाल जी हमेशा अपने काम से ज़्यादा दूसरे के ऊपर सवाल खड़ा करके भागने का जो एक उनका जो एक रवैया रहता है वो बिल्कुल ही बहुत ही घटिया और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत निम्न स्तर का होता है, जिसका हम लोग चर्चा भी नहीं कर सकते हैं टीवी के अंदर में। और इस तरह के बात जो करने वाले होगा वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो ही नहीं सकता है, और वो नागरिक है तो उसको अपने आप को सोचना चाहिए कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। और कोई भी ऐसा भारत का नागरिक जो सैनिकों के हित के खिलाफ बोलता है तो वो कम से कम एक साल जाके सेना के बीच में रहे, काम करे, देश की सेवा करे, फिर समझे, तब कुछ बोलने का उसको अधिकार होता है। केजरीवाल जी का कहना है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला मैटर उठा था वो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए है, कैसे देखते हैं? बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे 19 देखिए, सबसे बड़ी बात है सुरजेवाला तो एक भोंपू हो गए हैं, हर विषय के लिए वो एक कांग्रेस का भोंपू हैं, बिना वजह का भी वो बजने लग जाते हैं उनके, और मुझे लगता है कि शायद कुछ ज़्यादा ही बज रहे हैं आजकल उनके, और इसको मुझे लगता है ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। अगर उनके अंदर कुछ थोड़ा सा भी सेंस होगा तो इसको राजनीतिकरण खुद ना करें और दूसरे को नसीहत ना दें।